हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल से सी एग्जाम कॉर्नर में। जैसा कि मैं आपके लिए लगातार करंट का सीरीज लड़ा हूँ, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट सीरीज लेकर मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम, खासकर जो बिहार एसआई मेंस के आने वाले, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही होगा, आपको पहले इसमें प्रैक्टिस करना है, फिर जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको जाके डाउनलोड कीजिएगा और प्रैक्टिस करना ना भूलिएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा एक बार, इससे आपका कंफर्म हो जाएगा इसमें कि आपको कितना कितना आपको वीडियो देखने से याद हुआ, और एक बार दिमाग में बैठ जाने से ज़्यादा आप क्वेश्चन याद कर पाएंगे आसान तरीक़ों से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे नम निवेदन है कि मेरे मेहनत का फल आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब बटन है, तो जरूर दबाइएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और अभी तक आपने अगर लाइक बटन नहीं दबाया तो दबा दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोदी सरकार ने केंद्र में निम्नलिखित में से किस आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया? तो नीति आयोग का गठन किस आयोग को हटा के किया गया? तो योजना आयोग को के जगह पर नीति आयोग का हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी ने गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें एशियाई खेल 2018 के मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2018 में एशियाई खेलों के मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। इंडोनेशिया में होने वाला 2018 का एशियाई खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किस देश के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अजलान शाह द्वितीय सैन्य अभ्यास आयोजित किया था? तो हाल ही में संयुक्त रूप से अजलान शाह द्वितीय सैन्य अभ्यास वो किया गया है ओमान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2017 में पारित हुए मातृत्व लाभ विधेयक 2016 के अनुसार महिलाओं को दिए जाने वाले मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया है? तो जो महिलाओं को दिया जाता है मातृत्व के दौरान उनको अवकाश दिया जाता है, जो पहले 12 सप्ताह था वो बढ़ाकर अब कर दिया गया है 26 सप्ताह नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में होने वाली 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी किस विश्वविद्यालय को सौंपी गई है? तो विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी सौंपी को उस्मानिया विद्यालय को 2018 में होने वाली 105वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 28 मार्च 2017, याद रखिएगा दोस्तों, शराब बंद कब हुआ था? 28 मार्च 2017 को बिहार में को राज्य में शराब बंदी लागू करने के लिए मौत पुरस्कार 2016 प्रदान किया गया, तो वो किया गया बिहार के मुख्यमंत्री को 28 मार्च 2017 को राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ यवेस मेयर को इस वर्ष 2017 में, यानी कि इस पिछले वर्ष 2017 में गणित का नोबल पुरस्कार कहा जाने वाला, जो गणित का नोबल पुरस्कार कहा जाता है एबल प्राइज, प्रदान किया गया था। ये किस देश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं G20 शिखर सम्मेलन 2018 कहाँ होगा? तो 13वीं G20 शिखर सम्मेलन जो 2018 में कहाँ पर होगा, तो वो होगा आपको अर्जेंटीना में, वो होने वाला अर्जेंटीना में 13वां G20। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, 13वीं G20 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2018 भारत में कहाँ संपन्न होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता में 38वां राष्ट्रीय खेल 2018 कोलकाता में संपन्न। नेक्स्ट है, अमेरिकी ओपन 2017 पुरुष एकल उपविजेता कौन थे? तो केविन एडर्सन थे, अमेरिकी ओपन 2017 के पुरुष एकल उपविजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवासी ऑस्कर पुरस्कार 2017 की सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कौन थी? तो वो थी द सेल्समैन था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 89वां ऑस्कर पुरस्कार जो मिला 2017 में प्रदान किया गया था, वो किस विदेशी फिल्म को मिला था? तो द सेल्समैन को मिला था। नेक्स्ट है, 26 मई 2017 को इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी अपनाने वाला पहला शहर कौन सा बना?
26 मई 2017 को नागपुर पहला शहर बना जिसने इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी अपनाई। नेक्स्ट है, लाइफ ऑफ पाई के लेखक कौन है? तो यान मार्टेल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी, यान मार्टेल है जो कि लाइफ ऑफ पाई के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय पोषण रणनीति के अनुसार देश में 5 वर्ष से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चे का वजन कम है? तो वो है 35.7% बच्चे का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से 18 जून 2018 को भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण चित्रण अभियान की शुरुआत की गई? तो भारत के सांस्कृतिक मानचित्रण अभियान की शुरुआत की गई, वो की गई है गोरखपुर से। नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी में 29 मई 2017 को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 29 मई 2017 को उठे तीव्र चक्रवात को क्या नाम दिया गया था? तो वो दिया गया था मोड़ा। मोड़ा चक्रवात जो बंगाल की खाड़ी से उठा था 29 मई 2017 को, बहुत ही भीषण था। नेक्स्ट है, किस राज्य के लिए प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता पूर्णिमा देवी बर्मन को 20 मई 2017 को प्रतिष्ठित किटली अवार्ड प्रदान किया गया है? तो पर्यावरण से संबंधित कार्यकर्ताओं के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है, वो कहाँ की थी? तो वो असम की थी। नेक्स्ट है, WUIPO द्वारा 15 जून 2017 को जारी किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2017 में भारत किस स्थान पर था? तो वो था भारत 60वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के लेखक डेविस ग्रॉसमेव को 14 जून 2017 को द मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2017 से सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो द मैन किस देश के लेखक थे डेविड ग्रॉसमेव? तो वो थे इजराइल के। दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2017 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया? तो वो किया इंग्लैंड ने। फीफा दक्षिण कोरिया में जो हाल ही में पिछले साल हुआ था वर्ल्ड कप 2017 में अंडर 20 वर्ल्ड कप, तो उसमें किस देश ने अपना नाम किया था खिताब? तो वो इंग्लैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज से अलग पड़े समुदाय के लोगों को कानूनी सलाह व सहायता देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 11 जून 2017 को किस प्रणाली का शुभारंभ किया गया? तो टेली लॉ का शुभारंभ किया गया है केंद्र सरकार द्वारा 11 जून 2017 को। अलग क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक अमेरिकी नागरिक को जो भारतीय मूल का है लेकिन अमेरिकी नागरिक है 8 जून 2017 को नासा द्वारा भावी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन किया गया? तो वो चयन किया गया राजाचारी को भारतीय जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन रहते हैं अमेरिका में हैं, तो 8 जून 2017 को नासा द्वारा भावी अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रोहन बोपन्ना ने किसके साथ मिलकर 8 जून 2017 को फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2017 के मिश्रित युगल वर्ग का खिताब जीता था? पीला डेबोरोत्स्की के साथ ग्रेविला डेबोरोत्स्की के साथ जीता था भारत के रोहन बोपन्ना ने साथ मिलकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017। नेक्स्ट है, किस राज्य के विधानसभा ने 8 जून 2017 को केंद्र सरकार ने पशु क्रूरता नियम 2017 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था? तो वो केरल राज्य ऐसा था जिसने विधानसभा में 8 जून 2017 को केंद्र सरकार के पशु क्रूरता नियम 2017 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस संस्था द्वारा सूर्य के किरणों की उपस्थिति में कृत्रिम पत्ती से ईंधन बनाने में सफलता पाई है? तो भारत के किस संस्था ने? तो CSIR। नेक्स्ट है, यूएस में आए चक्रवर्ती तूफान किस देश के विभिन्न हिस्सों के ऐतिहासिक तबाही मचाई थी? तो हार्वे। नेक्स्ट है, किस राज्य में सरकार ने अफसप्पा के तहत संपूर्ण राज्य को 1 सितंबर 2017 को
अगले 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है, तो वो घोषित किया है असम को। असम को अगले 6 माह तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है सितंबर 2017 से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और नीचे PDF है, ज़रूर डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपसे नम्र निवेदन है कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, नीचे लाइक बटन है, बिना दबाए नहीं जाइएगा। ओके दोस्तों, बाय, जय।